अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह अपनी तस्वीर को महफूज कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में रीसेट लग जाता है या आपका मोबाइल रीस्टार्ट होता है तो आपके मोबाइल का तमाम डेटा ख़त्म हो जाता है। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने तमाम डेटे को महफूज कर सकते हैं अगर कभी मोबाइल रीस्टार्ट हो भी जाए या रीसेट हो भी जाए किसी गलती की वजह से, तो आपका डेटा रिमूव नहीं होगा। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके मोबाइल में पहले से ही एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। अगर आपने देखा हो तो आपके मोबाइल में ड्राइव के नाम से एक एप्लीकेशन मौजूद होती है। ड्राइव के नाम से एक एप्लीकेशन मौजूद होती है, इसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपनी तस्वीर को इसमें महफूज करते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी तस्वीर को कोई डिलीट नहीं कर सकता। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर वो फाइल्स नज़र आ जाएंगी जो आपने इसमें अपलोड की होंगी। दोस्तों, इसमें किस तरह तस्वीर पूरी ज़िंदगी के लिए महफूज हो सकती हैं, आपकी जो जीमेल आईडी होती है अगर वो आपकी जितने साल तक आपके पास रहेगी आपकी तस्वीर भी आपके पास रहेंगी। आपने सिंपली यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो आपके सामने आपकी मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आप जिस तस्वीर को सेव करना चाहते हैं आपने सिंपली उसे यहाँ पर क्लिक करना है और वो तस्वीर आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगी। अब जब तक आपकी जीमेल आईडी आपके पास है आपकी ये तस्वीर भी आपके पास ही रहेगी, कभी भी ये तस्वीर आपसे डिलीट नहीं होगी। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, कई दोस्तों को इसके बारे में मालूम नहीं था। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।